आज हम बात करने वाले हैं कुश्ती की कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस के बारे में, जो बिगिनर्स भी कर सकते हैं और जो कुश्ती पहले से खेलते हैं और चाहते हैं अपनी कुश्ती को अलग लेवल पे लेके जाना, वो भी इन एक्सरसाइजेस का उपयोग कर अपनी कुश्ती को अलग लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं कुश्ती की बेसिक एक्सरसाइजेस, जिससे आप सभी लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुश्ती की उस एक्सरसाइज के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, यानी कि स्पाटों के बारे में। तो अभी हमें फुल स्पाटे नहीं लगाने हैं, हम लगाएंगे हाफ स्पाटे, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलतियाँ लोग इसी पार्ट में करते हैं। अब अपने घुटनों को ना आपने ज़्यादा हाथों के अंदर लेके जाना है और ना ही उनसे बाहर। आपके घुटने जो हैं वो एल्बो के जस्ट साथ लगने चाहिए। और स्पाटे जो है वो एक कंपाउंड गेम है जिसमें आपका फुल बॉडी का वर्कआउट होता है, इवन कि आपकी नेक को भी आपको सीधे रखना होता है। नेक की एक्सरसाइज और स्टेबिलिटी को सही रखने के लिए आप किसी भी सामने चीज़ को देख सकते हैं या किसी को, जैसे कि इस वीडियो में दिखाया है, कोई चीज़ लेकर खड़ा कर सकते हैं। सो इससे आपकी बैक, लेग्स, आर्म्स और फुल बॉडी का वर्कआउट हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। इस एक्सरसाइज में आपने पुशअप पोजीशन लेनी है और अपने नीज को अपने कोहनी से बाहर लेकर जाना है, जैसे कि इस वीडियो में दिखाया है। फिर अपनी कमर को नीचे और ऊपर करते हुए ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इससे आपकी कमर में स्टेबिलिटी आएगी, मोबिलिटी आएगी और आपकी टांगों में भी जान आएगी। सबसे बड़ी चीज़, आपने अपने हर रैप के साथ अपनी गर्दन को ऊपर लेकर जाना है, जिससे आपको अपने ओपोनेंट पे नज़र बनाए रखने में आसानी रहेगी। अब बढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज की सेकंड वेरिएशन पे। पहले हमने अपने नीज को एल्बो से बाहर रखा था, अब हम अपने नीज को अंदर लेकर जाएंगे, जैसे कि इस वीडियो में दिखाया। इसके भी आप 20 से 30 रैप्स लगाकर ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज में। इसमें आपने अपने पैरों को ओपन करना है और जैसे कि इस वीडियो में दिखाया है, अपने अपोजिट हैंड को पैर के साथ टच करना है और दूसरे हाथ को ऊपर टेरेस की तरफ लेकर जाना है। इसमें एक और मेन चीज़ है, वो है गर्दन। हर रैप के साथ आपने अपनी नज़रें जो है वो छत पर रखनी है। सो ये थी तीसरी एक्सरसाइज। अब बढ़ेंगे अपने चौथी एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज में आपने रेस्टिंग पोजीशन में आना है और अपने हाथों को चलाना है। एक चीज़ होती है शैडो फाइटिंग, जो कि मार्शल आर्ट्स और बॉक्सिंग में भी करी जाती है और हमारी रेस्टिंग में भी की जाती है। अब आपने अपने सामने एक ओपोनेंट को इमेजिन करना है और ऐसे इमेजिन करना है जैसे आप उसको खींच रहे हैं। अब ये एक्सरसाइज आपने 50 से 100 बार करनी है, ताकि कुश्ती लड़ते समय आप अपने ओपोनेंट की अच्छे से खिंचाई कर सकें और आपके हाथ जो हैं वो चलते रहें। पढ़ते हैं अपनी पांचवी एक्सरसाइज की तरफ। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इस एक्सरसाइज में हमने रेसलिंग पोजीशन लेनी है और ये इमेजिन करना है कि जैसे कोई हमारी टांग पे लगने वाला है। अब जैसे कोई हमारी टांग पे अटैक करता है, हमने अपने सेम हैंड को आगे लाकर उस टांग को पीछे खींचना है। इसको आप 20 से 30 बार परफॉर्म कर सकते हैं और इससे आपकी रेसलिंग स्किल्स और बेटर हो जाएंगी। और अब बढ़ते हैं हम इसी एक्सरसाइज के सेकंड वेरिएशन में। अब आपने इमेजिन करना है कि जैसे आपको कोई डबल लेग अटैक करने वाला है और आपने अपने डिफेंस में ये परफॉर्म करना है। सो इसको भी आप 10 से 20 बार परफॉर्म कर सकते हैं और जैसे ही आपको कोई अटैक करने आता है, आप उसको इस पोजीशन से ग्रैब कर सकते हैं या अपना डिफेंस अच्छे से कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी छठी एक्सरसाइज की तरफ। अब इस एक्सरसाइज में हम पोजीशन का ध्यान देंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप रेसलिंग करने खड़े हैं और आप किसी भी तरीके से आगे या पीछे बढ़ेंगे। अब इस पोजीशन में आपने रेसलिंग करते दौरान आगे कैसे बढ़ना है और पीछे कैसे जाना है, जैसे कि इस वीडियो में दिखाया है, इसको परफॉर्म करें और इसको प्रैक्टिस कर अपनी रेसलिंग स्किल्स को और बेटर कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे हम बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज पे, यानी कि अपनी सेवन्थ एक्सरसाइज में। इसमें आपको बैठकर खड़े होना है बिना अपने हाथों को यूज़ किए। अब इसमें कुछ लोगों को तो काफ़ी दिक्कत होगी और कुछ लोगों को शायद ना हो। ये वो चीज़ें हैं जो हमें बेसिकली करनी चाहिए, बट अपने ख़राब दिनचर्या की वजह से ये हम कर नहीं पाते। तो इसे आप
10 से 20 बार परफॉर्म करें। इससे आपकी मोबिलिटी बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपके टांगों में जान आएगी। तो बढ़ते हैं आप अपने 8वीं एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज के लिए आपको एक पुराना कंबल या कोई चद्दर चाहिए होगी ताकि आपके घुटनों पर ना आए। अब अगर तो आप मैट पे परफॉर्म कर रहे हैं तो बढ़िया, और आपने इस तरीके से बैठना है और वापस स्पीड में खड़े होना है। इससे आपकी रेसलिंग में स्पीड बढ़ेगी और अटैक मारने की स्पीड जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अपनी इसी एक्सरसाइज की सेकंड वेरिएशन में। इसमें आपने सिंगल लेग पे बैठना है और वापस खड़े होना है, जैसे कि आप किसी को अटैक करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज को आप 20 से 30 बार परफॉर्म कर सकते हैं और इससे आपकी स्पीड जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अपनी 9th एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज को हम जंपिंग जैक्स भी बोलते हैं और ये काफ़ी कॉमन एक्सरसाइज है, बट फिर भी इसके जो बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है और आपको ये कुश्ती में लंबे समय टिकने के लिए हेल्प करती है। और अब बढ़ते हैं हम अपनी 10th एक्सरसाइज की तरफ। अब 10th एक्सरसाइज में हमने कुछ वार्म अप एक्सरसाइज ऐड करी हैं। इन वार्म अप एक्सरसाइज को आप जो पहले 9 एक्सरसाइजेस बताई हैं उनसे पहले परफॉर्म कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी जो है अच्छे से वार्म अप हो जाएगी, उसके बाद आप जो पिछली 9 एक्सरसाइजेस बताई गई हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। That's it for today guys। आज की एक्सरसाइज बेशक देखने में ईजी लगती हो, बट ट्रस्ट मी दीज बेसिक एक्सरसाइजेस आर वे मोर डिफिकल्ट देन फाइटिंग और रेसलिंग और एनी एक्सरसाइजेस, क्योंकि हर एक चीज़ की बेसिक्स ही उसकी जान होती है, बेसिक्स ही उसके कोर होते हैं। सो कहीं ना कहीं जो मोबिलिटी थी रेसलिंग के लिए परफेक्ट, उस पर आज हमने काम किया, और यही चीज़ें हैं जो आपकी रेसलिंग को, आपके फाइट को अलग लेवल पे लेकर जाती है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे कल ऐसे ही एक और चैलेंजिंग डे के साथ। तब तक के लिए जय मनुष्यता, हेल ह्यूमैनिटी, जय श्री राम।